मैंने हर जख्म को सहा और सहला भी लिया, खुदा की कुदरत देखो मुझे ऊंचा मुकाम दिया। कुछ इसी अंदाज में मिसेज हरियाणा 2018 बन चुकी भिवानी की प्रिया असीजा ने भिवानी में पत्रकार से रूबरू होते हुए अपनी सफलता के अनुभवों को साझा किया। दरअसल प्रिया हरियाणा में पहली बार हिसार में आयोजित किए गए मिस एंड मिसेज हरियाणा 2018 कॉन्टेस्ट में मिसेज हरियाणा 2018 का खिताब जीतकर ताज अपने नाम कर चुकी हैं। इसके साथ साथ उन्हें मिसेज कॉन्फिडेंस अवार्ड भी मिला है। 3 दिन तक चले इस कॉन्टेस्ट में विभिन्न प्रदेशों से भी महिलाओं ने हिस्सा लिया था। भिवानी की बेटी प्रिया असीजा अब देश भर की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को लेकर उन महिलाओं की आवाज बुलंद करेगी जो समाज में शोषण का शिकार हो रही हैं। ऐसी महिलाएं आमतौर पर अपने आत्मविश्वास को खो बैठती हैं। प्रिया का मकसद उन महिलाओं को जीने की सही राह दिखाना है। अगर जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो फिर उसे सही रास्ते पर लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है, मगर हौसला अगर जिंदा है तो फिर कोई भी रास्ते की बाधा मंजिल तक पहुंचने में अड़चन नहीं बन सकती। प्रिया वन स्टेप सामाजिक संस्था के माध्यम से भी किशोर अवस्था की लड़कियों के लिए आंतरिक स्वच्छता को लेकर प्रदेश भर में मुहिम चला रही है। वे किशोर अवस्था के दौरान लड़कियों के सामने आने वाली उन मुश्किलों का हल सुलझाती है जो आमतौर पर लड़कियां अपने माता पिता या फिर सहेलियों तक को बताने में झिझकती हैं। उन बेटियों के लिए भी प्रिया आंतरिक स्वच्छता की अलग जगाते हुए जागरूकता का उजियारा फैला रही हैं। धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम मेरे लिए निकाला और आपका वेलकम, तहे दिल से मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। बताओ प्रिया जी, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मिसेज हरियाणा का जो सफर रहा है वो मेरे लिए बहुत 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 अच्छा रहा है, और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अनफॉरगेटेबल था। एक ऑडिशन से शुरू होकर एक मतलब ऑल ओवर हरियाणा की काफी पार्टिसिपेंट्स थी, जिसमें से मैं काफी राउंड्स थे हमारे जिन्हें जीतते 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 फाइनली मैं क्राउन अपने सर पर लेकर भिवानी आई हूँ। उसमें अगर हम राउंड की बात करें तो हमारा टैलेंट राउंड था एंड हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था, एथनिक राउंड होते हैं, इस तरह के हमारे 4-5 राउंड थे जिनसे हम क्रॉस होते हुए हमारे फोटोशूट्स थे, तो फाइनली जाके हमारा जो क्वेश्चन आंसर राउंड था उन सभी के बिहाफ पे मुझे मिसेज हरियाणा इंटरनेशनल चुना गया है। शुरू से अगर कहें तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट 200 से ज़्यादा थी जो लास्ट में है, 20 फाइनलिस्ट थी। 20 फाइनलिस्ट में हमारी 3 कैटेगरीज रखी गई थी, मिस हरियाणा, मिसेज हरियाणा गोल्ड जो कि बिलो 34 थी, एंड मिसेज हरियाणा प्लैटिनम जो कि अबव 34 थी। तो मिसेज हरियाणा प्लैटिनम में मिसेज हरियाणा इंटरनेशनल का अवार्ड मुझे मिला है। ये माइक मीडिया की मालविका कोहली है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। हरियाणा में फर्स्ट एवर दिस टाइम इज हैपनिंग। एग्जैक्टली है, वो बाहर निकल नहीं पाती। नहीं नहीं, वो ये कराने का मकसद ही यही था। अगर मैं आपको सच बताऊं तो जिस अभी ये क्राउन मैं लेकर आई हूँ तो यहाँ पर हमारे आसपास के किसी गांव से भी बहुत सी लड़कियाँ आई हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसके कारण वो जीत नहीं पाई। एक अवार्ड तो आपने ले लिया जी, इस तरह से अवेयरनेस फैलाएंगे कि और लड़कियां भी बाहर निकलें, इस तरह के अवार्ड्स में जाएं, इस तरह के कंपटीशन में जाएं, बाहर निकलें बच्चे। अवेयरनेस की बात तो यूं है सर, एज ए सोशल वर्कर मैं पहले ही काम कर रही हूं और मैं बेसिकली गर्ल्स पर ही काम करती हूं और लेडीज पर ही काम करती हूं। अगर मैं आपको अपना पिछला बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी अभी काम शुरू कर रखा है। अब इस चीज को लेकर मेरा मन ये है कि मैं गांव-गांव शहर-शहर जाकर लोगों में एक जागरूकता फैलाऊं, मुझे देख के, मेरे स्ट्रगल को देख के मैं भी कुछ लड़कियां और आगे आएंगी, और मैं चाहूंगी कि मैं अपना एक एकेडमी स्टार्ट करूंगी कि इन फ्यूचर मैं बच्चों को ग्रूम कर सकूं वहां पे। सिर्फ इसी फील्ड का बताऊं या अपनी लाइफ का बताऊं? मेरी लाइफ का अगर आप स्ट्रगल पूछें तो शायद मैंने जब से आंखें खोली हैं, जिसे कहते हैं होश संभालना, मेरे फादर नहीं थे, मैं छोटी थी, आई थिंक 1.5-2 साल की थी। उसके बाद जब थोड़ा सा ग्रो अप हुए तो कहीं ना कहीं स्टडीज में भी प्रॉब्लम आई मेरी। मैं एक्चुअली मिस इंडिया बनना चाहती थी बट फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, मैं मिसेज इंडिया बनना चाहती थी बट मेरे फादर इन लॉज का सपोर्ट नहीं मिला, तो मेरी शादी हुई, बेटा भी हुआ, शादी लंबे टाइम तक चली नहीं, फाइनली करते 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 आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं मिसेज हरियाणा इंटरनेशनल बनी हूँ।